दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या देश का समूचा सिस्टम फ्रॉड हो सकता है? उस फ्रॉड सिस्टम के जरिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का दावा किया जाता रहा हो, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अलग अलग योजनाओं और स्कीम का ऐलान किया जाता है, क्या वह भी फ्रॉड हो सकता है? और अगर वो फ्रॉड है तो फिर यकीन जानिए, इस देश के भीतर में मरीजों के पास पैसे नहीं है, चाहे इस बात का ऐलान हो चला हो कि उन्हें मुफ्त इलाज मिल जाएगा। इलाज देने की स्थिति में अस्पताल नहीं होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। और तो और, जब समूची प्रक्रिया फ्रॉड होगी तो फिर इस देश के डॉक्टर भी कहां बचेंगे। और शायद इसीलिए बीते 50 दिनों में तकरीबन 270 डॉक्टरों ने जान गंवा दी। यानी जितने डॉक्टर हम हर बरस पैदा कर नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौत इन 50 दिनों में हो गई, जब कोविड की दूसरी लहर आई। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में जो अलग अलग योजनाएं रेंग रही थी, उसके जरिए जिन राहत की बात की गई, पहले की गई, वो राहत भी कहीं नहीं थी। तो हमें लगता है कि आज सरकार की उस फाइल को खोलने की जरूरत है, जिसके जरिए आप समझ पाए इस देश में योजनाओं का ऐलान एक फ्रॉड व्यवस्था है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जब आप आंकड़ों को देखेंगे, सरकारी आंकड़ों को देखेंगे और उसके भीतर झांक कर जब उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे और आंकड़ों से ही अभिभूत हो जाएंगे कि कमाल हो गया, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम या योजना भी आपको वाकई लगेगी कमाल की चीज है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2018 के सितंबर में रांची से जब इस बात का ऐलान किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत में शुरू की जा रही है, तो हर किसी ने तालियां बजाई थी। तालियां इसलिए बजी थी क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने वहां पर एक ओबामा केयर नाम से हेल्थ स्कीम शुरू की थी, जिसके दायरे में 2 से 2.5 करोड़ लोग आने वाले थे। वह स्कीम अभी भी अमेरिका में चल रही है, लेकिन 2018 में मोदी केयर या कहें आयुष्मान भारत या कहें प्रधानमंत्री आरोग्य सेवा योजना के तहत तकरीबन 10 करोड़ परिवारों को उसके दायरे में लाया गया। यानी 50 करोड़ लोगों को इस देश में यह कहकर राहत दे दी गई कि आपके लिए 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार कर रही है। और हर एक बरस में आप 5 लाख का इलाज किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में भी, प्राइवेट अस्पताल में भी। आप जाएं, सिर्फ आयुष्मान भारत का कार्ड दे दें, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन बीते एक बरस के दौर में और खास तौर से बीते 2 महीने के दौर में इस आयुष्मान भारत की स्थिति है क्या? क्या यह बिल्कुल एक फ्रॉड मामला इस देश के भीतर में शुरू से चल रहा है, जो आंकड़ों की गुगली फेंक कर इस देश को मोहजाल में फंसाया गया और किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज है भी या नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सिस्टम काम करता है वह सिस्टम भी है कि नहीं है? और मौजूदा वक्त में जब उसकी परतें हमने जाननी चाहिए तो कई चीजें एक के बाद एक सामने आती चली गई। देश जितने भी डॉक्टर्स को पैदा नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा डॉक्टरों की मौतों की वजह जो है वह जिला स्तर पर और जिला अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टरों की मौतों की संख्या ने बतला दिया। 270 डॉक्टर्स की मौत बीते 50 दिनों में हो गई और बीते एक बरस के भीतर में तकरीबन 1050 डॉक्टरों की मौत हुई। इस 2 महीने यानी 50 दिन के भीतर में बिहार में, जहां पर सबसे कम डॉक्टरों की मौजूदगी इस देश में अगर हर हिस्सों में बांटते चले जाइएगा तो बिहार और झारखंड ऐसे राज्य आते हैं जहां पर सबसे कम डॉक्टरों की नियुक्ति है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में, वहां की स्थिति तो और बदहाल है। 78 बिहार में डॉक्टर बीते 50 दिनों में मर गए। उत्तर प्रदेश में 37 डॉक्टरों की मौत हो गई। दिल्ली में भी 28 डॉक्टर मरे हैं, तेलंगाना में भी 19 डॉक्टर मरे हैं, आंध्र प्रदेश में भी 22 डॉक्टर मरे हैं, पश्चिम बंगाल में भी 14 डॉक्टर मरे हैं, महाराष्ट्र में भी 14 डॉक्टरों की मौत हुई है, तमिलनाडु में भी 11 डॉक्टर मरे हैं। लेकिन 270 डॉक्टरों को गंवाने से माथे पर कोई शिकन अगर इस देश के तब नहीं आती हो कि इतने दिनों में वह 270 डॉक्टर बना नहीं सकता है क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे? इसका दूसरा सच यह भी है, इस देश को छोड़कर
दुनिया के दूसरे हिस्सों में डॉक्टरी करने वाले भारतीयों की संख्या कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर ये महसूस करते हैं कि यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर और अस्पताल का मतलब है मुनाफा कमाना। और उस मुनाफे के दायरे में सरकार एक स्कीम का जब ऐलान करती है कि हम आयुष्मान भारत ला रहे हैं और इसके तहत आपको 5 लाख तक का फ्री में इलाज मिल जाएगा इस देश के तकरीबन 50 करोड़ लोगों को, तो यह समझने की जरूरत है कि कितने प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर यह इलाज बीते एक बरस में एक भी आयुष्मान कार्ड वाले को मिला होगा, और कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस रूप में मौजूद है जो कि मरीजों को वह सुविधा दे सके जिसका जिक्र कोविड महामारी के दौर में किया जा रहा है। हमें लगता है इन परतों को खोलने की आज जरूरत इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों की मौत तो किसी को भी अंदर से हिला देगी, तो सोचिए मरीजों की क्या स्थिति होगी जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत कार्ड भी दे दिया गया। और संयोग से आज ही इस बात की भी जानकारी निकल कर आई कि दरअसल कार्ड के लिए जो आपको चाहिए होता था आयुष्मान कार्ड वो 30 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी मुफ्त में वो कार्ड दिया जाएगा। लेकिन मुफ्त में 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस का वो कार्ड कहां चलता है, सरकार इसकी जानकारी दे दे तो फिर मजा आ जाए। सरकार खुले तौर पर जब डीएम से बात करती है, मुख्यमंत्रियों से बात करती है, डॉक्टरों से बात करती है, तो उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती है कि वो सिर्फ बोलने का काम करेगी और इंप्लीमेंट करेगा कौन? सिस्टम तो है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, योजनाओं का ऐलान तो हवा में हो गया। तो हमें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया जाए, क्योंकि इसके दायरे में 10 करोड़ घर यानी 50 करोड़ लोग और किसी भी परिवार में कितने भी व्यक्ति रहें सबको 5 लाख के सालाना इंश्योरेंस के कार्ड देने का जिक्र था। इसके दायरे में कुल अस्पतालों की संख्या जो थी वह 24,432 लाई गई। इसमें जो प्राइवेट अस्पताल थे उनकी संख्या ज्यादा यानी 56% थी, यानी 13,681 प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल 9,850। दूसरा सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, सरकारी अस्पताल 9,850 ही क्यों जोड़े गए, जबकि इस देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या सरकार के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 25,000 है। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस देश के 25,000 अस्पतालों की जो संख्या है वो सिर्फ कागज पर है, वहां पर इलाज संभव नहीं है, वहां पर सर्जरी नहीं हो पाएगी, वहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर कैंसर का इलाज नहीं हो पाएगा, वहां पर आपके टखने नहीं जुड़ेंगे और वहां पर कोविड का इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने अपने तौर पर जो 25,778 सरकारी अस्पताल है उसमें से सिर्फ 9,850 अस्पतालों को ही माना कि ये काम के लायक है। उसके भीतर की हकीकत भी हम आपको बताएं, उससे पहले यह समझ लीजिए कि जो 13,681 अस्पतालों को चुना गया कि आपको पैनल में जोड़ा जा रहा है, जो आप आयुष्मान भारत के मातहत जो भी इलाज होगा वहां पर आपको मुफ्त इलाज करना पड़ेगा, जो भी पैसा आएगा 5 लाख के भीतर में 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। और इसके मातहत एक जानकारी निकल कर आई कि दरअसल मई 2020 में यानी पिछले बरस 1 करोड़ इलाज किए गए इसी के तहत। ये सरकार के आंकड़े हैं कि 1 करोड़ लोगों का इलाज मई 2020 में हुआ था। और एक डाटा बताया गया, वो डाटा बताया गया कि 13,412 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी प्रति व्यक्ति पर 13,412 रुपए का बिल निकल कर आया। और प्राइवेट सेक्टर में ये 75% बिल प्राइवेट सेक्टर में चला गया, 25% सरकारी इलाज में चला गया। अब इसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है। जब हमने प्राइवेट अस्पतालों से उस दौर की परिस्थितियों को जानना चाहा तो उनका बहुत साफ कहना था कि जो मरीजों का जो औसत खर्च है जो निकल कर आ रहा है वो सरकार की तरफ से जो दिया गया है वो 17,000 तक दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में 9,000 दिया गया है लेकिन वहां 17,000 तक दिया गया। सवाल था कि क्या इतनी बड़ी तादाद में इलाज किया गया या एक ही इलाज को कई बार कई सेक्शंस में इलाज किया जाता है, जैसे अगर आपको घुटने बदलवाने हैं तो घुटने बदलवाने का बिल अगर 50,000 का आता है तो उसको उसी मरीज को 3 बार बुलाया जाता है और कहा जाता है तुम 17,000 दो, 3 बार बुलाएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, 50,000 आ जाएंगे। तो कितने लोगों का इलाज हुआ, यह एक बेसिक लकीर दिमाग में आप याद रखिएगा।
क्योंकि इसके बाद जब कोविड काल शुरू होता है तो अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक इस देश के भीतर में सरकार कहती है कि हमने 4 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवा दिया, लगभग 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट भी करा दिया, यानी टोटल हो गए 14 लाख। लेकिन अगर आप मानकर चलिए सिर्फ 4 लाख लोगों का जो इलाज हुआ है उस पर जो सरकार का खर्च हुआ वो सिर्फ 12 करोड़ का है, यानी 4 लाख लोगों पर प्रति खर्चा जो आया सिर्फ 300 रुपए आया। अब यहां पर सवाल आता है कि वो कौन सा अस्पताल है जो 300 रुपए में इलाज कर रहा था और 4 लाख लोगों का इलाज कर दिया, और उसके साथ साथ इसी दायरे में 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो गया। अगर कोरोना टेस्ट की भी कोई कीमत ली जाती है तो इन 14 लाख को जो जोड़िएगा तो प्रति मरीज आता है सिर्फ 83 रुपए। सवाल यह है कि सरकार ने अपने तौर पर ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं दी कि इलाज में कितनी कीमत आएगी। जब 4 लाख लोगों के इलाज का जिक्र सरकार 14 अप्रैल 2021 तक एक साल के भीतर में कर रही है और प्रति इलाज 83 से 85 नहीं बल्कि 300 रुपए तक आ रहा है सिर्फ 4 लाख का, जबकि सरकार ने जो कीमत तय की उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि अगर आपको जनरल बेड भी मिलता है तो उसकी कीमत 2000 रुपए आपके खाते से जुड़ेगी, अगर आपको हार्ट डेंसिटी यूनिट बेड मिलता है तो वो 3000 रुपए का पड़ेगा, यानी प्राइवेट अस्पताल को भी 3000 रुपए ही मिलेंगे। आईसीयू बेड मिलेगा तो आपको 4000 में मिलेगा, आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर मिलेगा तो 5000 में मिलेगा, लेकिन यहां तो खर्चा सिर्फ 300 रुपए का है जो 4 लाख लोगों का इलाज किया गया। तो यह आंकड़ा कहां से आया? यह आंकड़ा आयुष्मान भारत के द्वारा दिया गया है।